हिंदू धर्म के पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस में राम कथा विस्तार से वर्णित की गई है। इसके 7 खंडों के सुंदरकांड का महत्व सर्वाधिक माना गया है। सुंदरकांड के प्रति लोगों का अधिक आकर्षण होने का मुख्य कारण यह है कि यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरी रामायण का पाठ कराने की अपेक्षा अधिकांश श्रद्धालु शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ कराते रहते हैं। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में कहा गया है, सकल सुमंगलदायक है रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरै भवै सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का यानी सभी लौकिक एवं पारलौकिक मंगलों को देने वाला है। जो सादर सही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के भी भवसागर से पार हो जाएंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 6 छंद, 62 तथा 526 चौपाइयाँ हैं। 62 में से प्रथम 30 दोहे में रुद्रावतार श्री हनुमान जी के चरित्र तथा 30 दोहे में विष्णु स्वरूप राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्रावतार श्री हनुमान जी है। अशांत मन वालों को शांति मिलने के लिए अनेक कथाएं इसमें वर्णित है। इसमें रामदूत श्री हनुमान जी के बल बुद्धि और विवेक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक ओर श्री राम जी की कृपा पाकर हनुमान जी अथाह सागर को एक ही छलांग में पार करके लंका पहुंच जाते हैं, तो दूसरी ओर बड़ी कुशलता से लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश भी पा लेते हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने विरह विदग्या माँ सीता को श्री राम के विरह का वर्णन करके इतने भावपूर्ण शब्दों में सुनाया है कि वह स्वयं सीता अपने विरह को भूल कर राम के विरह वेदना के दुख से डूब जाती है। इसी कांड में विभीषण को भेद नीति, रावण को भेद और दंड नीति तथा भगवान कृपा प्राप्ति का मंत्र भी हनुमान जी ने दिया। अंततः हनुमान जी ने सीता जी का आशीर्वाद तो प्राप्त किया, अजर अमर गुण निधि सुत हो करो बहुत रघुनायक छो, राम काज को पूरा करके प्रभु श्री राम को भी विरह से मुक्त किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित भी किया। इस प्रकार सुंदरकांड के साथ साथ इसकी कथा भी अति सुंदर है। धार्मिक प्रवृत्ति के श्रद्धालु सुंदरकांड के पाठ को अमोघ अनुष्ठान मानते हैं। इसके माध्यम से वे श्री हनुमान जी की कृपा की अनुभूति पाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से दरिद्रता एवं दुखों का दहन, अमंगलों संकटों का निवारण तथा ग्रस्त जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इसलिए आप खूब हंसते हुए हंसी खुशी सब परिवार के साथ सब समाज के साथ प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। सुंदरकांड का पाठ ही आज के इस युग में हनुमान जी का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। बोल बजरंगबली की जय।